पूनम हाँ बताइए आज किस फिल्म की शूटिंग कर रही हैं और क्या जी टुडे आई एम गोना शूट फॉर माफिया बिग बॉस प्रमोशनल सॉन्ग एंड दिस सॉन्ग इज सैंग बाय मिस्टर पॉपुलैरिटी किस तरह का सॉन्ग है और आप आइटम के लिए जानी जाती हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में हैं आप बहुत लाइमलाइट में हूँ अच्छा या एक्चुअली द सॉन्ग इज ऑन गैंगस्टर मूवी टाइप में है माफिया बिग बॉस मीन्स इज टोटली ऑन टाउट टाइप You know, and I'm so excited to shoot for this song, and I'm all set. Already, मैंने इस movie का already एक item song कर लिया है, और दूसरा अभी कर रही हूँ मैं promotional song, which I'm too excited. And plus, it's like popularity का है. Okay, who's the director of this movie? Director of this movie is Mr. Dilip Gulati, जिनकी already मैंने एक movie कर चुकी हूँ जोड़ी number one with Ravi Kishan. I think you must be knowing everyone that मेरे item song already Ravi Kishan के साथ ही ज़्यादा popular हुए हैं. पूनम ये आइटम सॉन्ग करके किस किस की छुट्टी करने वाली हूँ इंडस्ट्री से देखो अभी तक तो मैंने जितने अब मैंने एक आइटम सॉन्ग करके तो वैसे थोड़ी बहुत छुट्टी तो कर ली मैंने श्रीलंका में भी आई थिंक यू पीपल नो दैट ऑलरेडी मैंने शो किया था गोविंदा के साथ और सेकेंड मैंने जोड़ी नंबर वन किया था यूपी में छुट्टी कर चुकी हूँ ऑलरेडी अभी छुट्टी होने वाली है एक्चुअली मूवी इज गोइंग टू रिलीज जोड़ी नंबर वन ऑन 22 अप्रैल और ये मूवी भी रिलीज होगी जून या जुलाई में आई थिंक सो इसके बाद भी बहुत लोग काफ़ी लोग हैं जो बहुत चैलेंज में आने वाले मेरे साथ सो ऑल आइटम गर्ल्स गेट रेडी
because I have stepped into this industry, you know. सबकी छुट्टी करने के लिए मैं आ गई हूँ चोपड़ा, मिस पूनम चोपड़ा. पूनम, राखी सावंत, वीना मलिक, पूनम चोपड़ा, सनी लियोनी, स्टम्प बहुत लंबी लिस्ट में हैं और ये लोग जमे हुए हैं और इन्हें उखाड़ना कितनी तैयारी करी है और तुम जबरदस्त फेमस होती जा रही हो रणबक्का के आइटम सॉन्ग से, रवि किशन के आइटम सॉन्ग से. क्या है ना, एक्चुअली मैं इन लोग सब ओल्ड वर्जन हो गए. उन लोग जो होना चाहिए, वीना मलिक इज फ्रॉम पाकिस्तान, आई कैन नॉट कमेंट ऑन राखी सावंत, शी इज ओल्ड इनफ. और अभी हर, देखो आप एक बात बताइए, आप एक ही मोबाइल सालों साल चला सकते हो कोई भी? नो. सो ऑफकोर्स यू नीड समथिंग न्यू स्टफ. सो आई एम द न्यू स्टफ ऑफ द न्यू बॉय ऑफ इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के लिए. आइटम के लिए मैं ओनली मिस पूनम चोपड़ा, जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, जिसके लुक को कोई कुछ नहीं कर सकता, यू नो. पूनम चोपड़ा इन सबसे ज़्यादा बढ़ के क्या दिखाने वाली है? देखो आज तक मेरे लुक में मैं ज़्यादा अपने बूब्स को लेकर, आई एम टेलिंग यू फ्रेंकली, आई एम लाइक मोर फेमस ऑन माय फिगर. एंड मेरे आइटम सॉन्ग्स में आपको हमेशा डिफरेंट डिफरेंट लुक दिखाई देंगे. कभी यूपी का लुक, कभी भैयानी लुक, कभी लाइक यू कैन से यू नो डिफरेंट वेस्टर्न लुक अगेन. एंड दिस इज टोटली हॉट लुक. Means all the time Poonam Chopra will give you different varieties, different look, different variation, all thing different. Poonam ke abhi kya kis tarah ki taiyariyan chal rahi hain all over filmon ko lekar sari? Main pehli aisi item girl hu jo sare different different original movies kar rahi hu. Maine Bhojpuri bhi ki, Hindi bhi ki, abhi South karne wali hu main, April mein shoot hai mera, aur Marathi bhi karne wali hu. So I'm going to step in all languages. तो ये बीच में ये जितनी आइटम गर्ल्स हैं ये टक्कर देंगी आपको, तो किस तरह से चैलेंज एक्सेप्ट करेंगी इन सबका? क्या होता है ना कि लोग तो बोलने वाले बोलते रहते हैं, चैलेंज जिसको जो ना करना है करने दे. पूनम चोपड़ा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरा एक अपना ही डांस का स्टाइल है जो पब्लिक को पसंद आता है. एंड आई एम रियली लविंग माई फैंस दैट डे. आई एम थैंक्स टू माई ऑल फैंस कि उन लोग ने मुझे एक्सेप्ट किया इतने कम टाइम में. And I'm really praised, highly praised by all good actors. So I know my dance. I have good varieties to show people. I think when you have seen my song, and अभी भी जब shoot होगा, then you can see how I act, how I shoot, कैसे take देती हूँ. ज़्यादा time नहीं लगा तो मेरे में अंदर, not like other item girls. I am not commenting on any other girls, but yeah. पूनम कल semi-final India हार गई और अब final है. जल्दी ही इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच में, तो किसे सपोर्ट करने वाली हो? नॉट एट ऑल वेस्ट इंडीज, टू बी वेरी ऑनेस्ट. पहली बात है मुझे बहुत बुरा लगा हमारे बॉम्बे शहर में, हाउ कम इंडिया लूज कैसे कर सकती है? मतलब वो भी बॉम्बे, मतलब इट्स लाइक हाईलाइट सिटी ऑफ इंडिया. एक्चुअली इट्स अ हार्ट, नॉट अ दिल्ली, बट बॉम्बे इज अ हार्ट ऑफ द सिटी. दैट इज वेरी बैड. आई थिंक मुझे किसी को सपोर्ट करने का, सच बताओ तो मन ही नहीं है. मैं तो इंडिया के लिए, बिकॉज आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन. आई एम नॉट लाइक सनी लियोनी फ्रॉम USA, नीदर आई एम वीना मलिक फ्रॉम पाकिस्तान. आई एम मिस पूनम चोपड़ा मेड इन इंडिया, यू नो. क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए माफिया बिग बॉस के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये न्यू कमर्स की फिल्म है और इसका बड़ा ऑथेंटिक सब्जेक्ट है और ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है. 1947 से लेके 1986 तक हमने कोशिश की है कि रियल अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर क्या था मुंबई में, उसको दिखाने की कोशिश की है. और मेरे ख्याल से बॉलीवुड में आज तक इतना रियल सब्जेक्ट नहीं बना है. ये पहली फिल्म होगी जो इस तरह का ऑडियंस को जो हकीकत है उससे. जो आपका टाइटल है उसमें शाहरुख और सलमान जैसे स्टार को होना चाहिए था, मैं नए लोगों को लेकर बनाया है. तो मेरा क्या है कि मैं ये सब्जेक्ट इसलिए नए लोगों को लेकर बनाना चाहता था कि अगर मैं सुपरस्टार्स के साथ बनाता हूँ तो उनकी एक इतनी बड़ी आइडेंटिटी है खुद की, बिगर देन लाइफ. तो वो जो हमारे किरदार हैं वो कहीं पे जस्टिफाइड नहीं होते. कौन कौन से आर्टिस्ट हैं इसमें आपने काम किया है? देखिए मेरी इसमें फिल्म में मैंने काफ़ी आर्टिस्ट लिए हुए हैं और ये एक हीरो की कहानी नहीं है. इसमें कुछ इम्पोर्टेंट 5 से 6 कैरेक्टर्स है, जिसमें हमने राज चौहान है, सागर पांडे है, आयुष जडेजा है, और मैंने एक बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार मैंने भी किया है. फिर अशफाक कोपीगर साहब हैं और हंस साहब हैं और सलीम गौड़ साहब हैं,
तो ऐसे 6-7 इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो हमने न्यू कमर्स के साथ ये फिल्म में पेश करने की कोशिश की। आप इतने अच्छे कोरियोग्राफर पप्पू जी, क्या कहेंगे गाना कोरियोग्राफ करा रहे हैं? पप्पू जी के बारे में मैं क्या कहूँ, पूरी बॉलीवुड उन्हें जानता है, और ऐसा कौन सा एक्टर है जिसने पप्पू जी के साथ काम नहीं किया है। ही इज़ अ माइंड ब्लोइंग, ही इज़ अ क्रिएटिव डायरेक्टर। 1, 2, 3, 4 सब लोग कर लेते हैं, लेकिन एक गाने को समझना और उसको उस गाने को समझ के प्रेजेंट करना, वो इनमें बात है जो बहुत सारे कोरियोग्राफर्स में मैंने देखा है कि वो 1, 2, 3, 4 तो कर लेते हैं और सारे अपना माइकल जैक्सन के स्टेप, इसके स्टेप, उसका स्टेप, बोले जी हिप हॉप लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, अरे लेकिन कहानी को आगे आप लेके चलेंगे कि नहीं? तो ये इनके साथ मैंने ये महसूस किया है कि ये कहानी को आगे लेके चलते हैं। आज स्पेशल सब प्रमोशनल सॉन्ग शूट कर रहे हैं पूनम चोपड़ा को लेकर जी, क्या कहेंगे आप? देखिए क्या है कि ये पूनम चोपड़ा के साथ मैंने एक फिल्म अभी की है जोड़ी नंबर 1, और उसमें उसने एक मेरी फिल्म में आइटम सॉन्ग किया था, और मुझे लगा कि उसमें एक स्टाइल है, एक ग्रेस है, और एक सबसे बड़ी बात है ये कि उसमें एक ऐसी फायर है जो वो कुछ करना चाहती है, तो मुझे लगा कि शायद ये शी विल जस्टिफाई द सॉन्ग। ये गाना जो मेरा पप्पी लहरी जी ने गाया है, खुद ने कंपोज भी खुद ने किया है, तो मुझे लगता है कि जिस तरह का मूड मुझे इस गाने में चाहिए वो उसका जस्टिफिकेशन देगी। पप्पू जी आप क्या कहेंगे आज गाने के कोरियोग्राफ कर रहे हैं? आज सबसे बड़ी बात मेरे को ये माफिया बिग बॉस को मैं डांस करवाने वाला हूँ। इनको पूनम चोपड़ा को तो करवा चुका हूँ, इनको नहीं कर रहा। माफिया बिग बॉस खुद है, डायरेक्टर खुद है, तो इनको डांस करने का मेरे को मौका मिला। आज इनको खूब नचाऊंगा, खूब एक्शन करवाऊंगा। जो भाई बिग बॉस क्या कुछ नया स्टाइल दे रहे हैं, कुछ नया स्टाइल? अभी टाइटल बहुत बड़ा हंगामेदार है, रिलीज पे तो बम बम हो जाएगा। अभी देखो ऑडियंस को कैसे पता, आज तो हम लोग क्रोमा में इतना शूट कर रहे हैं, कुछ नयापन लाने के, पीछे बैकग्राउंड में बॉम्बे डालेंगे, ब्रिज पासिंग्स डांस, ये सब इसलिए क्रोमा में कर रहे हैं। आजकल क्रोमा में करो तो जरा क्या क्या इफेक्ट चाहिए वो हम लोग डाल सकते, तो इसलिए इनको हम लोग डिस्कस किए, बोले आपने बोले मतलब क्रोमा में करते कुछ नयापन आएगा। तो आज दिलीप जी को डांस करने आता है, आज लगता है सिखाएंगे अच्छा। देखो अभी डांस करवाते, माफिया बिग बॉस को दिए तो उनको तो डांस करवाना ही। दिलीप जी फिल्म कब तक मार्केट में आएगी? सर मेरा देखिए क्या है कि मैं एक्चुअली इस फिल्म को जून में रिलीज करने का मेरा प्लान है, लेकिन अभी मुझे पता चला है कि सलमान भाई की फिल्म आने वाली थी ईद पे, लेकिन मुझे ऐसी कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा पता चला कि वो ईद पे नहीं आ रहे। अगर क्योंकि सलमान भाई की फिल्म आती है तो 4 हफ्ते आप भूल जाइए, कोई खड़ा नहीं हो सकता उनके सामने, ये जस्ट सुपर स्टार ऑफ इंडिया। तो फिर अगर उनकी फिल्म नहीं आ रही है तो आई विल कम ऑन ईद, और मुझे पूरा पता है कि मेरी फिल्म में मेरिट से, और ईद भी एक ऐसा फेस्टिवल है, कुछ हमारे हिंदुस्तान में फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें लोग एक उनका एक रीजनिंग रहता है कि भी फेस्टिवल और हमें फिल्म देखने जाना है, तो वो फेस्टिवल की एक अपनी ऑडियंस होती है और फिल्म की एक अपनी ऑडियंस होती है। जब ये दोनों ऑडियंस को आप मिलाते हैं तो आपकी फिल्म के कलेक्शंस बढ़ जाते हैं, यही रीज़न है कि क्यों बड़े स्टार से एक अच्छी डेट पकड़ने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। तुम्हारा स्पेशल शूट कर रहे हैं दिलीप जी? हाँ, टुडे वी आर गोइंग टू डू अ प्रमोशनल सॉन्ग ऑफ माफिया बिग बॉस हिंदी मूवी व्हिच गोइंग टू रिलीज सून, एंड सॉन्ग बाय पप्पी लहरी, डायरेक्ट बाय मिस्टर दिलीप गुलाटी, वेरी स्वीट डायरेक्टर एंड वेरी टैलेंटेड, एंड कोरियोग्राफर इज मिस्टर पप्पू खन्ना, ही इज ऑल्सो टू मच टैलेंटेड, एंड रियली आई हैव लर्न माई डांस फ्रॉम हिम, ही इज अमेजिंग कोरियोग्राफर एंड इज अमेजिंग डायरेक्टर, सो आई एम सो एक्साइटेड टू वर्क, यू नो। आज इतनी अच्छी बड़ी बॉलीवुड की मूवी में तुम्हारी गाना स्पेशल सॉन्ग शूट किया जा रहा है, कितना अच्छा लगा है? मैं बता नहीं सकती इतन, मतलब आई एम सो हैप्पी, आई एम सो लकी दैट सर ने मुझे चूज़ किया इस मूवी के लिए, ही मेक मी पार्ट। एंड पहली बात है पप्पी लहरी जी ने गाना गाया, मुझे मौका मिले उनके गाने पे परफॉर्म करने का, हालांकि बड़े बड़े आर्टिस्ट हमारे गाने क्या खास चीज़ है। दिलीप जी सनी लियोनी को आइटम सॉन्ग कराने वाले थे, आपको क्यों लिए फिर? एक्चुअली क्या है ना कि सनी लियोनी की क्या ज़रूरत है, शी इज़ लाइक आउटडेट मार्केट एंड आई एम न्यू वर्जन मार्केट, तो फिर जब सनी लियोनी इधर ही मिल गई है तो वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? शी इज़ लाइक आउटडेट एंड आई एम इंटेड, यू नो व्हाट आई मीन टू से। थैंक यू।